हेलो हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी माय नेम इज प्रतीक नायक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल के ऊपर मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के टॉपिक्स को और आपको समझा रहा था कि किस तरह से एनसीईआरटी को एनालिसिस के साथ पढ़ा जा सकता है और ख़ास करके जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी एनसीईआरटी के सापेक्ष में किस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू तो एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड उसको हमने प्रीवियस क्लास के अंदर शुरू किया था एज ऑलवेज हमने ये क्लास के अंदर स्टैंडर्ड नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर सिक्स है एंड फार्मर्स उसको देखा था और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से किसानों की जीवन जो है बदल जाती है और पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्ल्ड के अंदर मॉडर्नाइजेशन आता है एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि कैसे आधुनिकरण की शुरुआत होती है खेती की पद्धति के अंदर और किस तरह से खेती की जो सिस्टम है वो बदल दी जाती है बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हुए जस्ट जॉइन ऑन द प्लेटफॉर्म आई वेलकम यू ऑल मैं पिछले सात साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन के अंदर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर गवर्नेंस आई आर जैसे सब्जेक्ट्स खास करके मैं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्रियसिव करा रहा हूँ यहाँ पे आपको लट्स कर यू पी एस सी सी एस सी के अंदर मैं आपको एनसीआर टी कराता हूँ इसके अलावा आई आल्सो टीच ऑन अन अकेडमी प्लस यू माइट भी अवेयर अबाउट अन अकेडेमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस ऑन दी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जहाँ यू विल गेट दी कॉम्प्रीहसिव अप्रोच अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज और साथोसाथ जितने भी कोर्सेज चलते हैं उन सब के क्लासेस भी आप देख पाओगे जैसे मेरा एक कोर्स चल रहा है हिस्ट्री आंसर राइटिंग को लेकर आई एम ऑलरेडी कंडक्टिंग अ कोर्स ऑन द हिस्ट्री आंसर राइटिंग यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस कोर्स एंड टू जॉइन द अन अकेडमी प्लस यू आर ऑलवेज सपोज टू यूज दिस डिस्काउंट कोड आपको ये डिस्काउंट कोड यूज़ करना है ये डिस्काउंट कोड का नाम है पी एन लाइव और ये डिस्काउंट कोड आप जब जैसे यूज करोगे सब्सक्रिप्शन लेते वक्त तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी इसके साथ मिल जाएगा ये इनफैक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और साथ साथ अनलिमिटेड टाइम उसको एक्सेस भी कर पाओगे मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अन एकेडमी प्लस के ऊपर आप देख पाओगे वो चाहे एंशियंट हो गया मिडीवल हो गया मॉडर्न हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया वर्ल्ड हो गया और आर्ट एंड कल्चर हो गया एवरी थिंग कैन बी कवर्ड अंडर दी वन रूफ आई वुड से कि एक पैकेज के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है थ्री थाउजेंड से ज़्यादा मेरी मटेरियल्स और स्लाइड्स अवेलेबल है उसको आप देख पाओगे यू विल बी एबल टू डाउनलोड दैट बी एबल टू प्रिंट आउट दैट एंड यू कैन स्टडी साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ दूसरा फायदा ये है कि जितना भी पूरा का पूरा जनरल स्टडीज का सिलेबस है वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा दिस विल इंक्लूड द प्रलिम्स एंड द मेन्स कॉम्प्रीहसिव कवरेज मतलब जी एस पेपर वन से लेके जी एस पेपर फोर तक जितने भी टॉपिक्स है वो सब के सब यहाँ कवर होंगे लाइव क्लासेस देखिए साथों साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करिए इनफैक्ट मेरा आपने बताया मैंने आपको बताया अभी कि आई एम टेकिंग अ कोर्स ऑन द आंसर राइटिंग वेर आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू राइट गुड आंसर्स किस तरह से उसको अप्रोच किया जा सकता है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कराया हुआ है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द क्लासेस एंड uh, आप जुड़िए हमारे साथ अन अकेडमी के ऊपर एंड फॉर द अन अकेडमी प्लस आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा ए एप स्टोर से या प्ले स्टोर से और अपना जो गोल है उसको यू पी एस सी सी एस सी रखेगा द मोमेंट यू विल कीप योर गोल एस यू पी एस सी सी एस सी मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊंगा सब्सक्रिप्शन दो प्रकार के अवेलेबल है एक प्लस सब्सक्रिप्शन है दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड स्कड्यूल अनलिमिटेड प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है अंडर वन सब्सक्रिप्शन यू विल एबल टू वॉच ऑल दिस टॉपिक्स ये सबके सब आपके सेशन इसके अंदर कवर हो जाएंगे वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन थ्री ईयर एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एक साल का फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू ईयर का सिक्सटी फोर एट हंड्रेड थ्री ईयर्स का एटी वन थाउजेंड डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है पी एंड लाइव ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड पी एंड लाइव केट पेट टेन परसेंट ऑफ इनफैक्ट ये जो फीस है आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कोड ही है ये फीस मैं आपको मार्क कर रहा हूँ डिस्काउंट कोड के बाद ही है आप हमेशा इसको यूज करिए एंड आप टेन परसेंट इनफैक्ट गेन कर सकते हो इसके अलावा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर पर्सनल कोच की फैसिलिटी है आंसर राइटिंग है स्टडी प्लानर है एंड पर्सनलाइज फीडबैक एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर वन रूम आप इसमें भी एक साल दो साल तीन साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ई एम आई ऑप्शन आर अवेलेबल इन दिस कोर्स एज वेल यहाँ पे भी आपको ई एम आई ऑप्शन अवेलेबल है एंड यू कैन मोस्ट वेलकम यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एस विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप इसको भी प्लान कर सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर जहाँ आपको एक मेंटर दिया जाएगा अन अकेडमी की तरफ से और ये मेंटर आपको हेल्प करेंगे डे टू डे प्रिपरेशन के अंदर एज अ टीचर तो मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा ही एक टीचर के रूप में तो मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा पर आपको एक मेंटरिंग भी मिल जाएगी जो आपको हेल्प करते रहेंगे बाकी सब चीज़ों में उसके अलावा अन एकेडमी के अंदर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी होती है मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन एज वेल यहाँ बहुत सारे ऑप्शनल्स के टीचर्स अवेलेबल्स है एजुकेटर्स अवेलेबल है आप कोई भी ऑप्शनल को चूज कर सकते हो इनमें से एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेरिंग याज वेल ऑप्शनल की फीस अलग है एक साल की सत्ताईस हजार पांच सौ है दो साल की चालीस हजार है और तीन साल की फिफ्टी थाउजेंड है तो so, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे से फॉर एग्जाम्पल टू ईयर्स का अपने ऑप्शनल कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया आफ्टर पेइंग फोर्टी थाउजेंड रुपीज तो यू कैन कंजिक्यूटिवली वॉच एंड कमांड ओवर योर ऑप्शनल आप अपने ऑप्शनल के अंदर कमांड कर सकते हो एक महीना और छह महीना ऑप्शनल के अंदर पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि कोई भी ऑप्शनल होता है वो करते करते करीबन मिनिमम सात आठ महीना तो लग ही जाएगा साहब आपको ठीक है ना तो आप देखिए कि और उसमें भी छः महीना और बारह महीने में तो फीस भी ज़्यादा नहीं है मतलब हार्डली पाँच हज़ार रुपये का ही फर्क पड़ता है है ना तो ऑलवेज गो फॉर वन ईयर फीस सब्सक्रिप्शन है ना जब भी आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिनिमम वन ईयर का लीजिए सो दैट आपके लिए ओवरऑल बेनिफिशियल होगा इसके अलावा के ऊपर मेरे फ्री क्लासेस चलते हैं जिसे हम लोग स्पेशल क्लास कहते हैं इनको भी देखिए आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयरस के क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हुए है बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली कराए हुए हैं इंक्लूडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री भी इसके अंदर मैंने कराई हुई है आई have taken टू uh, थ्री sessions ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और इसमें और भी सेशंस में लेने वाला हो तो यूर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दैट एज वेल आप बहुत कॉम्प्रीहसिवली हमारे साथ तैयारी कर सकते हो लेट एस स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर सिक्स मैंने आपको पीजेंट्स एंड फार्मर्स के ऊपर ये चैप्टर बताया था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये जो पीजेंस एंड फार्मर्स जो है उन लोग का रोल क्या रहा है वॉट हैज़ बिन द रोल इन द हिस्ट्री साहब ठीक है ना तो इन द प्रीवियस सेशन्स मैंने आपको ये बताया था कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर वर्ल्ड के अंदर शुरू होता है उसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है और हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर यहाँ पे बताने की कोशिश की थी कि जब इनफैक्ट इंग्लैंड के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और इनफैक्ट मैकेनाइजेशन की शुरुआत होती है तो उसके कारण बहुत लोगों के थ्रेसिंग मशीन को जला दिया था याद आया आपको ठीक है इंक्लूडिंग कैप्टन स्विंग की एक स्टोरी के बारे में बताया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इंग्लैंड में बेसिकली एंक्लोजर सिस्टम की शुरुआत होती है ये एंक्लोजर सिस्टम के द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइवेट फार्मिंग की बड़ी बड़ी लैंड्स को कंट्रोल करने की शुरुआत हुई और जो फूड सिक्योरिटी का इशू था आपके इन्फ्लेशन का इशू था उसको कंट्रोल में किया गया ये सब चीज़ों के द्वारा इंग्लैंड में जो खेती होती है उसमें बहुत कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत होती है काफी लोग लैंडलेस लेबर के रूप में काम करेंगे काफी लोगों की इम्प्लॉयमेंट इनकम के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ी थी आज हमको जो देखना है टॉपिक उसमें समझना है कि किस तरह से अमरीका के अंदर आपके गेहूं की खेती की शुरुआत होती है इनफैक्ट वीट बोल कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका को क्योंकि बहुत सारा गेहूं वो उगाते हैं और आज भी अगर आप देखोगे तो दुनिया में सप्लाई करते हैं ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं करते दे आल्सो स्टिल सप्लाई टू दी मेनी पोर्शंस ऑफ दी वर्ल्ड साहब ठीक है तो अमेरिका की जो वीट फार्मर्स की स्टोरी है जो बड़े बड़े गेहूं के जो खेत है उसको उगाना और किस तरह से गेहूं की खेती करना उन सब टॉपिक्स को आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द दीट फार्मर्स ऑफ द यूएसए कि अमेरिका के अंदर कैसे गेहूं के किसानों ने खेती करने की शुरुआत की और ये जो गेहूं के किसान जो खेती कर रहे थे उसमें किस तरह का ग्रोथ होता है डेवलपमेंट होता है उन सब पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो मोस्ट वेलकम हम लोग ये चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर चले जाते हैं हमने पहले पार्ट के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में बताया था कि कैसे इंग्लैंड के अंदर आने की शुरुआत होती है मैकेनाइजेशन होने के कारण क्यों दंगे होते हैं क्यों फसाद हो जाता है इंग्लैंड में पहले ओपन फील्ड्स और कॉमन सिस्टम हुआ करता था कॉमन लैंड सिस्टम जहां सब लोग खेती कर सकते थे वो धीरे धीरे पूरी तरह से टूट जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि इंग्लैंड में पूरी एग्रीकल्चर की सिस्टम बदल गई सिस्टम बदलने का एक कारण यह था कि पॉपुलेशन बढ़ती है और पॉपुलेशन बढ़ती है तो खाने के लिए आपको जगह चाहिए होगी खाने के लिए जगह वहां से ही आप पाएगी जहाँ आप खेती अच्छी तरह से कर पाओगे ये सब सिचुएशन में इंग्लैंड के अंदर कुछ कुछ बड़े बड़े जमींदार्स ने एंक्लोजर सिस्टम बनाने की शुरुआत की और ये जो एंक्लोजर्स बनते हैं ये एंक्लोजर्स के द्वारा इन्होंने बेसिकली बड़े बड़े जमीन के पट्टे जो थे उसके आजू बाजू में बाउंड्री वॉल्स बना दी वहां पे मैकेनाइजेशन किया और वहां पे कुछ कुछ लेबर्स को रखा और कहा कि चलो आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एंक्लोजर सिस्टम के कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ काफी अच्छा रहा सॉइल की फर्टिलिटी को बैलेंस करने के लिए इन्होंने अलग अलग क्रॉप्स का मिक्स फार्मिंग और रोटेशन करने की शुरुआत की और इस तरह से इंग्लैंड में खेती का पूरा का पूरा विकास होता है आखिर के अंदर हमने ये भी देखा था कि जो गरीब लोग थे इसके कारण पिस जाएंगे क्योंकि पहले कॉमन लैंड के अंदर ये लोग खेती किया करते थे अब वहाँ पे इनको खेती करने का अधिकार खत्म हो गया था ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी लोग माइग्रेट भी करते हैं अलग अलग रीजन्स में जाके जमींदारों के वहाँ पर रहने की शुरुआत करेंगे और इनकी सैलरी से लेके इनको बहुत सारे इशूज़ थे धीरे 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 करके इनफैक्ट जब लेबर का इशू यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ इंग्लैंड के अंदर तो थ्रेसिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया थ्रेसिंग मशीन के द्वारा जो हार्वेस्टिंग था वो हार्वेस्टिंग को बेसिकली काटने के लिए काफी अच्छी तरह से मदद हो जाती है पर लेबर का सप्लाई जब मिसमैच हुआ और लेबर की डिमांड इनफैक्ट ज्यादा थी जॉब के लिए थ्रेसिंग मशीन के कारण उनकी नौकरियाँ चली जा रही थी तो बहुत लोगों ने थ्रेसिंग मशीन को भी जला दिया जो चैप्टर की शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था आखिर के अंदर हमने आपको बताया था कि जब मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो आपके ओपन फील्ड्स कॉमन लैंड को डिसअपेयर किया गया प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट आया बहुत लोग बेसिकली अपनी जॉब छोड़ देते हैं और कुछ कुछ लोगों को जहाँ पे जॉब मिलती भी है कुछ कुछ लोगों को जहाँ पे जॉब मिलती भी है वो लोग पूरी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से डिपेंडेंट uh, रह गए थे वर मेनली डिपेंडेंट ऑन द आई 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 वुड से द कंडीशंस जहाँ इनको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं साहब ठीक है है ना तो ये सब सिचुएशन में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था आज हम लोग ये चैप्टर का सेकंड पार्ट के ऊपर चले जा रहे हैं और अमेरिका का थोड़ा बहुत इतिहास देखते हैं अब देखिए ये चैप्टर की शुरुआत ही बहुत इंटरेस्टिंगली होती है इसका नाम है ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बोल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे साहब ठीक है आज हम लोग ब्रेड बास्केट का परपेक्टिव देखेंगे डस्ट बोल का जो कंसेप्ट है उसको कल के क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे अब इसको क्यों ब्रेड बास्केट कहा गया है अमरीका को क्यों ब्रेड बास्केट कहा गया है तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अमरीका की स्टोरी क्या है वट इज द स्टोरी ऑफ अमरीका पहले आपको वो समझा देता हूँ फिर मैं बाकी सब चीज़ों के अंदर जाऊँगा एक्चुअली अमेरिका को अगर आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ पे पहले वाइट सेटलर्स नहीं रहा करते थे अमेरिका के अंदर सबसे पहले जो कोई सेटल हुआ था कौन हुआ था साहब अमेरिका के अंदर अगर आपको याद होगा तो क्रिस्टोफर कोलंबस करके यू यू माइट बी अवेयर कि एक स्पेनार था वो बोट लेके पहुंच गया था साहब ठीक है और वो भी लैटिन और कैरिबियन कंट्रीज के आजू बाजू वाले रीजन के अंदर हमको मिलेगा साहब ठीक है ना तो वी फाइंड कि अमेरिका की जब हम लोग बात करते हैं व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अमेरिका तो हमको एक चीज़ मिल रही है कि विद इन दी अमेरिका आ, उसका जो डिस्कवरी है वो तो बेसिकली कोलंबस ने किया फिर अमरीको वेस्पूसी गए और वाइट सेटलर्स करीबन अगर आप पकड़ के चलेगा तो सेवनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड से रहने की शुरुआत करेंगे सेवनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स का मतलब क्या है कि करीबन सोलह के आसपास का पीरियड है साहब ठीक है अब जब वाइट सेटलर्स आए तो उन्होंने बेसिकली फिर वहां के जो नेटिव इंडियंस थे ये नेटिव इंडियंस को वहां से खदेड़ दिया नेटिव इंडियंस क्यों क्योंकि अमेरिका के अंदर जो ट्राइबल कम्यूनिटी उसको नेटिव इंडियंस के रूप में इन्होंने कहा है इन्होंने दर्जा दिया हुआ है साहब ठीक है ना अब कहानी क्या है पूरी की पूरी अमेरिका जो है वो यूज टू बी अ फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट लैंड का मतलब यही होगा कि ये कैसी जगह है साहब जहाँ पे आपको घास फूस ज्यादा मिलेगा समझे आप लोग ठीक है ना तो ये जो मैप देख रहे हो इफ यू कैन सी द मैप ओवर हियर तो ये मैप के द्वारा थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा ये अटलांटिक ओशन है इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो कर्जर घूम रहा है दिस इज द अटलांटिक ओशन और ये जो अटलांटिक ओशन है यहाँ के जो ईस्ट कोस्ट वाला रीजन है यहाँ पे काफी सारे लोग सेटल हुए थे इनिशियली बीच में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ अमेरिका के अंदर आपको एक माउंटेन्स दिखेंगे जिसका नाम है अपलाशियन माउंटेन्स अगर आप देखोगे ये जोग्रफी का मैपिंग का क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी एनसीआरटी से जो मैपिंग आता है वो यहाँ से आता है साहब ठीक है तो ये जो अपलाशियन माउंटेन्स है उसको क्रॉस करके ये व्हाइट सेटलर्स थे वो सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली अपना विकास करेंगे अब इनको बेसिकली जो भी जमीन चाहिए थी वो क्यों चाहिए थी वाई दे वॉन्टेड लैंड साहब ठीक है लैंड इसके इसके लिए चाहिए क्योंकि ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाए अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया जाए और जंगल को साफ किया जाए समझे so कि नहीं समझे ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द रीजन की जब इनिशियली आपके यहाँ पे जब अमेरिका के अंदर वाइट सेटलर्स आए तो वाइट सेटलर्स यहाँ पे सेटल हुए थे कहाँ पे ये जो लाल कलर का मैं मार्किंग कर रहा हूँ दिस आर ऑल द ईस्ट कोस्ट एरिया ऑफ अमेरिका तो ये जो ईस्ट कोस्ट के एरिया है यहाँ पे सेटल हुए थे एंड द अमरीकन्स जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो बेसिकली अपलाशियन माउंटेंस के दूसरे साइड में रहते थे दे वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेंस एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे आपको एक uh, ट्रेडिशनल इंडियन कम्युनिटी मिलेगी यहाँ पे मिल जाएगी चोटको नाम लिखा गया है यहाँ पे कौमांचे लिखा गया है यहाँ पे चिक्सो लिखा गया है यहाँ के क्रीक लिखा गया है यहाँ के शॉनी लिखा गया है यहाँ पे इरिक्विस लिखा गया है यहाँ पे पाउनी लिखा गया है चेयन मंडान ये सबके सब अगर आप देखोगे दिस आर ऑल द कम्युनिटीज ऑफ द नेटिव इंडियंस नेटिव इंडियंस का मतलब क्या है कि दे वर द पीपल ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिस लैंड साफ ये लोग यहाँ के ओरिजिनल लोग थे तो ये जो व्हाइट सेटलर्स आए ये व्हाइट सेटलर्स आते थे कि वो अपना खेती बेती एक्सपांड करें थोड़ा पैसा कमाए और पैसा कमाने के लिए दे आर सपोज टू मूव डाउन दी अपलाशियन माउंटेन्स तो ये जो अपलाशियन माउंटेन्स है अमेरिका के जो ईस्ट कोस्ट से अगर आप थोड़े अंदर की तरफ जाओगे सेंट्रल अमेरिका के अंदर तो वहाँ पे आपको बीच में पड़ जाएंगे साहब ठीक है तो इनको वहां पे क्रॉस करके जाना था क्रॉस करके जाएंगे तो फॉरेस्ट को साफ करना है फॉरेस्ट को साफ करना है तो फॉरेस्ट के अंदर जो नेटिव कम्युनिटी रह रही उनको भी साफ करना पड़ेगा समझे कि नहीं समझे ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द रीजन हम हमको पता चल रहा है कि एट टाइम्स uh, जो जो अमेरिका के अंदर नेटिव कम्युनिटी थी उनके साथ ये जो व्हाइट सेटलर्स थे उनकी लड़ाई भी होगी पर खैर ये चैप्टर के अंदर ज्यादा नहीं लिखा है तो हम लोग नहीं जाएंगे साहब ठीक है ये जो मैप देख रहे हो इसके अंदर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स की बात की गई है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स का मतलब क्या है कि अमेरिका के अंदर कहाँ कहां जंगल और बड़े बड़े घास हुआ करते थे बेसिकली बिफोर द वाइस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ द वाइट सेटलर्स मतलब ये जो वाइट कम्युनिटी के लोग हैं ये जो गोरे लोग आए कौन आए यूरोपियंस आए थे इंग्लैंड से सबसे पहले आने की शुरुआत होती है फिर और भी यूरोपियन कंट्री से लोग अमेरिका में भागने की शुरुआत करेंगे तो ये लोग जब आए धीरे 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 करके इन्होंने छोटी मोटी कॉलोनीज बनाई तो ये आते आते बेसिकली यहाँ पे चले गए दे इन दिस रीजन साहब ठीक है ना तो यहाँ पे सब एक्सपांशन हो रहा है तब की ये बात हो रही है एडोप्टेड फ्रॉम द बेकर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इकोनॉमिक जोग्राफी वॉल्यूम टू नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स अबाउट हाफ द फॉरेस्ट कवर एंड वन थर्ड ऑफ द ग्रासलैंड वर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन द मैप यू कैन ऑल्सो सी द लोकेशन ऑफ द वेरियस नेटिव अमरीकन कम्युनिटीज इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी सब ठीक है ना तो ये तो नाइनटीन सेंचुरी की शुरुआत है मतलब तब के बाद ये मैप को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है अब लेटेस्टू उस सी कि अमरीका के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे हुई और इसके बारे में एनसीआर टी क्या लिखता है एनसीआर टी लिखता है कि चलिए भाई हम लोग एटलांटिक ओशन के किनारे के उस साइड चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर अमेरिका के अंदर कैसे डेवलप हुआ और धीरे 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 अमेरिका एक ब्रेड बास्केट के रूप में कैसे बन गया मतलब समझ में आता है साहब ठीक है अमेरिका पूरे दुनिया को गेहूं खिलाने लग गया साहब इंडिया को नाइनटीन तक गेहूँ देता था सिक्सटी सिक्स तक आपको मिलेगा एक स्कीम चलती थी जिसका नाम है पी एल स्कीम ये पी एल के द्वारा अमेरिका पूरे वर्ल्ड को साहब गेहूँ देते क्योंकि उनका लॉ है पब्लिक लॉ फोर एटी उनका मानना था कि जो जो गरीब कंट्रीज है जिनको खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको बेसिकली गवर्नमेंट हेल्प कर देगी तो उस तरह से अमेरिका ने सबको गेहूं देने की शुरुआत की थी तो हमको भी गेहूं मिले थे सब ब्रेड बास्केट के रूप में साहब ठीक है अब सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर हुआ ये मॉडर्न एग्रीकल्चर कहाँ पर डेवलप हुआ मॉडर्न एग्रीकल्चर केम एट द कॉस्ट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द अमरीकन वाइट कम्युनिटी एट द कॉस्ट ऑफ द नेटिव पीपल तो वहाँ के जो स्थानिक लोग थे बेसिकली जो रूरल पीपल ऑफ़ अमेरिका थे जो उन लोग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगी ये वो चैप्टर के अंदर लिखा गया है गेटिंग गेडिंग पॉइंट है ना तो हमको पता चलता है कि अमेरिका के अंदर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर होता है अमेरिका आज जो वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट बन गया है वो रातों रात नहीं बना उसके लिए बहुत सारे उसने चेंजेस लाने की कोशिश की थी बहुत सारी चीज़ें होती है साहब आप समझने की कोशिश करिए एन क्या लिखती है जब इंग्लैंड में एटीनथ और नाइनटीन्थ सेंचुरी के अंदर की हम लोग जब बात करते हैं तो हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि एनक्लोज सिस्टम की शुरुआत गई थी याद आया कि नहीं आया ये एंक्लोजर सिस्टम के अंतर्गत हमने समझने की कोशिश की थी कि ब्रिटेन के अंदर जो खेती है उसमें बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स बना दिए गए और बेसिकली वहाँ के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो थे जमींदार हम लोग जिसे पहचानते हैं उन्होंने सिस्टम को कंट्रोल करने की शुरुआत की अमेरिका के अंदर उस टाइम पे सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है उतना नहीं डेवलप हुआ था अब सेटल्ड एग्रीकल्चर क्यों डेवलप नहीं हुआ था उसके पीछे का कारण है अमेरिका की स्थापना कब हुई 18 सेंचुरी में 1776 में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर के आया पॉलिटिकल फॉर्मेशन तो उसका तब होता है उसके पहले तो कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटेन की समझे नहीं समझे जैसे इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की वैसे ही अमरीका भी कॉलोनी थी अमरीका को भी आजादी मिल गई हमसे ज्यादा मिल गई साहब ठीक है और हमसे जल्दी मिल गई मेन तो है ना तो अमरीका सो so, अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर हमको एक चीज पता चल रही है कि Uh, जो 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 एग्रीकल्चर था उतना डेवलप नहीं हुआ था एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स करीबन 800 मिलियन एकड़ के आसपास पास यहाँ पे फॉरेस्ट थे और 600 मिलियन एकड़ के आसपास पास हुआ करते थे यू कैन इमेजिन कितने बड़े बड़े विस्तार ह्यूज पीस ऑफ लैंड वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट एंड द ग्रास तो ये सब सिचुएशन थी अमरीका के अंदर दैट वॉज प्रैक्टिकली आई वुड से कि ऐसी एक सिचुएशन बन गई थी uh, जहाँ पे इनफैक्ट एग्रीकल्चर को एक्सपांड करना बहुत जरूरी हो गया था एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स की एग्रीकल्चर तभी एक्सपांड हो पाएगा जब वहां की जो वाइट कम्युनिटी है जो व्हाइट सेटलर्स है ये व्हाइट सेटलर्स उसको कंट्रोल कर पाएंगे एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वी फाइंड की एनसीआर भी लिखती है कि मेजोरिटी ऑफ द लैंडस्केप लैंडस्केज नॉट अंडर द द कंट्रोल ऑफ दोलट अमेरिकन जो गोरे लोग हैं उनके कंट्रोल में नहीं हुआ करता था एंड वी फाइंड की व्हाइट अमेरिकन आर बेसिकली कन्फाइंड टू अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द नैरो कोस्टल लैंड इन द ईस्ट तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पैसिफिक ओशन का जो पट्टा वाला रीजन है खास करके ये जो लाल कलर का मैंने आपको एरिया बताया है अपलाशियन माउंटेंस के इस साइड वाला वहाँ पे ही खाली वाइट कम्युनिटी रहती थी बाकी सब जगह पे आपको वाइट कम्युनिटी के लोग नहीं मिलेंगे साहब तो बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव आपको मिलता रहता है और बहुत ही कम लोग वाइट कम्युनिटी के उस टाइम पे हुआ करते थे पर धीरे धीरे क्या होता है साहब कि जैसे ही इनफैक्ट वाइट कम्युनिटी का एक्सपानशन हुआ White कम्युनिटी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के नेटिव अमेरिकन जो है उनको बेसिकली टारगेट करने की शुरुआत कर दी समझे आप लोग ठीक है तो वी फाइंड की वाइट कम्युनिटी जो है वो चाहती थी कि वो थोड़ा और एक्सपांशन करे इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अमेरिका पर वहाँ के बेसिकली जो नेटिव लोग होंगे वो नेटिव लोग भी रेजिस्ट करेंगे वो बोलेंगे कि हम थोड़ी तुमको आने देंगे भाई तुम कहीं बाहर से आए हो हमारी जमीन के ऊपर और हमारा जंगल हमारा ग्रासलैंड सब कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो गेटिंग अ पॉइंट है ना तो वी फाइंड कि नेटिव अमेरिकन ग्रुप जो थे वो अमेरिका के अंदर डोमिनेट थे एक टाइम के ऊपर एटीन सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी के ट्रांजिशन पीरियड के अंदर मेजोरिटी ये जो नेटिव अमेरिकन के ग्रुप थे इनका भी लाइफस्टाइल काफी नॉमेडिक भी थे कुछ कुछ सेटल भी हुआ करते थे तो अभी मैंने आपको बताया कि नेटिव अमेरिकन्स की जो कम्युनिटी के नाम लिखे गए हैं ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेंस के अंदर या प्रीलिम्स के अंदर पूछते नहीं है एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नेटिव अमेरिकन्स की स्टोरी क्या रही है अमरीका के अंदर तो जो ब्रिटिश लोग जब अमरीका के अंदर घुसे तो इन लोग को बहुत बड़ी मात्रा में मारा मतलब करीबन पचास लाख से ज़्यादा नेटिव अमेरिकन को मारा गया होगा ऐसी बहुत सारे रिसर्च का मानना है हिस्टोरिकल रिसर्च कहता है कि मोर देन फिफ्टी लाख पीपल वर किल्ड बाय द वाइट सेटलर्स इवेंचुअली द नेटिव पीपल ऑफ़ अमेरिका जिनको पूरी तरह से खदेड़ दिया गया था साहब ठीक है ना तो नेटिव लोग अपना जीवन कैसे चलाते थे अब नेटिव लोग बेसिकली हंटिंग करते थे कुछ कुछ खाना वाना इकट्ठा करते थे फिशिंग करते थे कुछ कुछ लोगों ने छोटी मोटी खेती करने शुरू की थी कॉर्न हो गया बीन्स हो गया टबेको हो गया पम्पिन हो गया और इस तरह से हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि नेटिव लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल था सिंपल लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि ज़्यादा कोई हाईफाई लाइफ स्टाइल नहीं था क्योंकि बेसिकली ट्राइबल लोग थे ये लोग अगर आप देखोगे तो ये तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी साहब है ना अमेरिका के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज थी तो वाइट सेटलर्स के सामने अगर आप नेटिव लोगों की लाइफ देखोगे तो बहुत ही सिंपल मिलेगी साहब ठीक है इनफैक्ट uh, कुछ कुछ नेटिव कम्युनिटी के लोग जो थे ये बेसिकली काम किया करते थे यूरोपियन uh, ट्रेडर्स के लिए एंड दे इज टू वर्क एज अ ट्रैपर दे इज टू वर्क एज अ एजेंट और दे इज टू वर्क एज अ सप्लायर फॉर द यूरोपियन कम्युनिटी तो बेसिकली गोरे लोग जो आते थे अमेरिका के अंदर उन लोग को कोई जंगल की कोई प्रोडक्ट चाहिए उनको कोई बेसिकली विशेष प्रकार की जड़ी बूटी चाहिए कोई ऐसी चीजें चाहिए तो दे इज़ टू कॉन्टेक्ट द नेटिव पीपल उनको कहते थे कि मेरे को जंगल से वो ला दे दो साहब ठीक है ना तो वी फाइंड कि खास करके जो यूरोपियन सेटलर्स से, है उनको फर चाहिए होता था क्योंकि अमेरिका इज़ अ वेरी कोल्ड एरिया दो तो बिकॉज इट्स अ कोल्ड एरिया तो तो यूरोपियन सेटलर्स जो अमेरिका के अंदर सेटल हुए उनको बेसिकली फर चाहिए था उनको गर्म रखने के लिए थोड़ा वुलन क्लॉथ चाहिए होता है साहब ठीक है तो ये नेटिव अमेरिकन की मदद लिया करते थे तो इस तरह से हमको क्या देखने को मिला कि नेटिव अमेरिकन अपना जीवन चला रहे कैरम रमानो जूस पीवानो मजाने लाइफ जी रहे साहब ठीक है, है। प्रॉब्लम यह हुआ कि जैसे जैसे समय आगे गया आपकी जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कन्वर्ट करा दिया गया फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट कराने का मतलब क्या है साहब ठीक है तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये वाइट कम्युनिटी डोमिनेट होती है जैसे ये व्हाइट कम्युनिटी पावरफुल होती है उन्होंने बेसिकली नेटिव्स को कहा कि अब तुमको हमारे हिसाब से रहना है तुम्हारा जंगल बंगल हम लोग साफ़ कर देंगे और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैप दिखाया उसके सामने अगर आप ये मैप को कंपेयर करोगे तो पूरी की पूरी सिस्टम बदल दी गई है यहाँ पे पेस्टोरल लैंड को बढ़ावा देने का काम किया गया यू माइट बी अवेयर कि इसको प्रेरीज के रूप में कहा गया है अमेरिका के अंदर इसको प्रेरीज कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड का एक आपको प्रकार मिलेगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कॉटन का ग्रोथ मिलेगा यहाँ पे कॉर्न एंड वीट को बनाने का इनफैक्ट इन्होंने काम किया यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कॉर्न को बनाया साहब एंड यहाँ अगर आप देखोगे वीट और यहाँ पे हे मतलब ये भी बेसिकली अगर आप देखोगे घास इनफैक्ट उगाने की कामकाज की है तो इस प्रकार की शुरुआत अमेरिका के अंदर हमको मिलेगी कि पहले ये जो रीजन है दिस रीजन वॉज मेनली नोन फॉर द नेटिव पीपल और नेटिव पीपल बेसिकली यहाँ पे जो ग्रासलैंड और जो फॉरेस्ट का एरिया है उसके अंदर रहा करते थे और अपना जीवन चलाते थे उन सबको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया तो इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन ऑफ द लैंड समझ में आया कि नहीं आया कन्वर्जन ऑफ़ द लैंड का मतलब क्या है कि जंगल को कैसे आपने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बदला और एट व्हाट कॉस्ट बदला ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यही चीज़ हमको समझने की आवश्यकता है ये चैप्टर के अंदर साहब ठीक है अमरीकन्स ने क्या किया पहले देवर ओनली कन्फाइंड टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमरीका जैसे जैसे समय आगे गया इन लोग के हाथ में पॉलिटिकल पावर आया दे स्टार्टेड मूविंग इन ये अंदर के पोर्संस में गए और अंदर के पोर्संस में जब गए तो यहाँ के जो स्थानिक लोग थे जो नेटिव अमरीकन्स थे उनको मारा उनको खदेड़ा कुछ कुछ लोगों को अपना गुलाम बनाया और कहा कि चलो हमारे लिए जंगल साफ करके दो और इस तरह से हमको क्या देखने को मिला कि धीरे 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 इनका एक्सपांशन करने की शुरुआत होती है सो बाई दी अर्लीए सेंचुरी ट्वेंटी एथ सेंचुरी द लैंडस्केप हैड ट्रांसफॉर्म रेडिकली पूरा का पूरा जो अमेरिका की जो आपकी मैपिंग सिस्टम थी वो बदल जाती है क्योंकि जहाँ एक टाइम पे जंगल हुआ करता था बड़े बड़े फार्मलैंड्स आ गए सवाल ये था कि फार्मलैंड्स कैसे आए हैं तो फार्मलैंड आए इस तरह से कि वाइट अमेरिकन जो है वो वेस्टर्न एरियाज के अंदर इन के अंदर मूव करने की शुरुआत करते हैं और इतना एक्सपांड किया इतना एक्सपांड किया तो पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट तक चले गए वेस्ट कोस्ट का मतलब क्या है कि इनिशियली यहाँ पे सेटल हुए थे ये जो मैं आपको पेन हाईलाइट करके दे रहा हूँ वहाँ पे और चलते 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 यहाँ पे आ जाते हैं वेस्ट कोस्ट के अंदर इनफैक्ट अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे आपको न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ मिलेगी आपको पेंसिल्वेनिया मिल जाएगा आदि इत्यादि सिटीज़ मिलेगी यहाँ वेस्ट कोस्ट के अंदर आपको लॉस एंजलिस जैसे सिटीज़ मिल जाएंगे सब ठीक है सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं गेडिंग पॉइंट है ना तो आप समझने की कोशिश करिए कि ईस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक पूरा का पूरा साम्राज्य वाइट लोगों ने बना दिया और वहाँ के जो स्थानिक लोग थे वो स्थानिक लोगों को डिस्प्लेस कर दिया उनको कहा गया कि भाई तुम आज के बाद जंगल में नहीं रह सकते जो सब जगह पे हुआ था वो यहाँ पे भी होता है एंड वी फाइंड कि पूरी की पूरी एक नए प्रकार के लैंडस्केप को बनाया जहाँ खेती के बड़े बड़े बेल्ट्स और बिग बिग ह्यूज साइज ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड आप ठीक है तो आप देखिए कि इंग्लैंड के अंदर एनक्लोजर सिस्टम के द्वारा मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई अमेरिका के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे आया साहब या जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है कैसे आती है बट डिस्प्लेसिंग द लोकल पीपल वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको उठा दिया उनको फेंकवा दिया और उसके बाद अपनी जो पूरी की पूरी सिस्टम है उसको चलाया साहब ठीक है तो वी फाइंड कि धीरे 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 अमेरिका इतना डोमिनेट हो जाता है वर्ल्ड मार्केट के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर की बात मत करिए अब सवाल ये था कि अमरीका के अंदर इतना सारा चेंज कैसे आया ये जो नए लोग थे ये कहाँ से आए थे किस तरह से अमरीका के अंदर जो कल्टीवेशन होता है एग्रीकल्चर होता है तो उसके कारण जो नेटिव अमेरिकन थे उसको क्या कहते हैं नेटिव रेड इंडियन पीपल हम लोग कहते हैं साहब ठीक है तो ये जो नेटिव रेड इंडियन पीपल जो थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है हाउ इट शेप अप द लाइफ्स उनकी जीवन को कैसे बदला गया है उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आते हैं ये सब पॉइंट को समझना ज़रूरी हो गया है समझे आप लोग ठीक है तो जब जब हम लोग अमेरिका की बात करेंगे वेन एवर विल बी टॉकिंग अबाउट अमेरिका तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है साहब एंड यू यू शुड नो कि हाउ दी अमरीकन सिचुएशन इमर्ज एंड वहाँ की जो कल्टिवेशन की प्रैक्टिस से लेके जो भी चीज़ें हैं वो भी कैसे चलती रहती है साहब ठीक है गेटिंग पॉइंट है ना तो पहला पॉइंट आपको पता चला कि अमरीका एक ब्रेड बास्केट के रूप में कैसे बना अमरीका ब्रेड बास्केट के रूप में बनने की शुरुआत होती है जब पहले वाइट सेटलर्स आएंगे दे विल बी स्टेइंग ऑन द ईस्ट कोस्ट और धीरे धीरे माइग्रेट करके वेस्ट कोस्ट की तरफ चले जाएँगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि जब ये वेस्ट कोस्ट के अंदर गए तो कल्टीवेशन बल्टीवेशन और इन सब का ग्रोथ होने की शुरुआत होती है गेडिमा पॉइंट है ना तो आप समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका के अंदर ये जो वेस्ट कल्टीवेशन होता है ये वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ अमरीकन्स होता है वेस्टवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये अमरीका की जो कम्युनिटी के लोग थे जो बेसिकली वेस्टर्न पार्ट के अंदर मूवमेंट करने की शुरुआत करते हैं और किस तरह से अमेरिका के अंदर वीट कल्टीवेशन है उसके बारे में यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली बात की गई है लिखता है द स्टोरी ऑफ एग्रेनियन एक्सपांशन इज क्लोजली कनेक्टेड टू द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाइट सेटलर्स हु टूक ओवर द लैंड आप ठीक है तो बेसिकली ये जो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में गए उसमें गोरे लोगों का बहुत बड़ा रोल प्ले है एक्चुअली होता ऐसा है कि 1776 से लेकर 1783 तक अगर आप देखोगे तो अमेरिका की स्थापना होती है क्योंकि उस दौरान ब्रिटेन के साथ इनकी लड़ाई होती है और जैसे ही अमेरिका की स्थापना हो गई 1783 में ब्रिटेन ने अमेरिका को रिकॉग्नाइज भी करवा दिया उसके बाद यहाँ के जो व्हाइट अमेरिकन थे इन्होंने बेसिकली अपना एक्सपांशन करने की शुरुआत की इनिशियली ऐसा था कि अमरीका यूज टू तो बी अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड बिकॉज इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी तो ये जो अपलाशियन माउंटेन्स मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जस्ट सेकंड साहब ठीक है ना उसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं तो इट बिकम्स इजी हाँ ये रहा ये जो अपलाशियन अपलाउंटेन्स मैं आपको बता रहा हूँ अपलाशियन माउंटेन्स यूज टू बी द जोग्राफिकल बाउंड्री फॉर द वाइट पीपल इनफैक्ट ब्रिटेन की सरकार ने मना कर दिया था कि कोई भी अमेरिकन मतलब ये जो गोरे लोग हैं वाइट कम्युनिटी के लोग हैं दे विल नॉट बी क्रॉसिंग अपलाशियन माउंटेंस अपलाशियन माउंटेंस को आप क्रॉस नहीं करोगे आपको वहाँ पे ही रहना है आप उसको क्रॉस करके कर नहीं जाओगे बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट वॉन्टेड टू हैव बैड रिलेशन विद द नेटिव इंडियंस वहाँ के जो नेटिव कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ ख़राब रिलेशन्स नहीं रखना चाहते थे और uh, उन उनके साथ मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जो है ना सिचुएशन अब कि उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते थे और उनके से डायरेक्ट रिलेशन्स में नहीं रखना चाहते पर ये जो नए अमरीकन्स थे उन लोगों को पैसा कमाना था नए अमरीकन्स जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आया नया नया कंट्री बना ये सब लोग बेसिकली कहने की डिमांड करते हैं कि नहीं भाई हम तो जाएंगे हमको तो जाना है हमको तो यहाँ से वहाँ उड़ना है है ना क्योंकि अमेरिका की स्थापना कब हुई थी अमरीकी की स्थापना यही होती है कि भाई हम लिबर्टी के ऊपर है हम फ्रीडम है साहब हम पूरा का पूरा कंट्री को इस तरह से चलेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन थॉमस जेफरसन अगर आपको पता होगा अमेरिका की क्रांति के बहुत बड़े लीडर भी थे और लेटर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं इन्होंने 1800 के साल में करीबन सात लाख लोगों को साथ लेते हुए इनफैक्ट अपलाशियन माउंटेन का जो प्लेटू है उसको क्रॉस करा के वेस्टर्न और सेंट्रल अमेरिका के अंदर सेटल कराया समझे कि नहीं समझे गेडिंग माई पॉइंट समझे तो इन दिस सिचुएशन द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द अमेरिकन स्टार्टेड अब जब जब वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा तो नेटिव्स के साथ कन्फ्लिक्ट में आने की भी शुरुआत होगी नेटिव्स को एलिमिनेट किया गया द नेटिव्स वर एलिमिनेटेड कि चलो बेटा तुम्हारा कोई काम नहीं है तुम क्या करोगे यहाँ जंगल में रह के साहब ठीक है तो रहना है तो रहो वरना साफ़ कर दो साहब एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन द ईस्ट कोस्ट पीपल सॉ अमेरिका एज अ लैंड ऑफ प्रॉमिस उनको लगता था कि ये वो जगह है जहाँ हमारे सपने पूरे होंगे ये वो जगह है जो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं और अमेरिका के अंदर जो एक टाइम के अंदर फॉरेस्ट हुआ करता था ये फॉरेस्ट को धीरे 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 ये गोरे लोगों ने क्या कर दिया कल्टीवेशन के अंदर कन्वर्ट करने की शुरुआत की एंड हाउ वी फाइंड कि फॉरेस्ट के अंदर का जो टिम्बर था जो लकड़ा था उसको काट के इन्होंने एक्सपोर्ट किया अलग अलग जानवरों का हंटिंग किया उसकी चमड़ी वमड़ी निकाली लेदर के लिए एंड धीरे 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 माउंटेन्स जो थे माउंटेंस के अंदर से गोल्ड मिनरल्स आदि इत्यादि अगर आप समझने की कोशिश करोगे उसको भी लेने की शुरुआत की अब जब सी एस चीज़ें हो रही थी तो अमेरिका के अंदर जो रेड इंडियंस हुआ करते थे वहाँ की जो नेटिव कम्युनिटी थी वहाँ के आदिवासी थे उनको भी जंगल से हटाना पड़ेगा तब जाके ये सब चीज़ें पॉसिबल थी एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वी फाइंड कि अमेरिका के अंदर जब वेस्टवर्ड एक्सपांशन होता है तो पूरी तरह से नेटिव इंडियंस को एक्सटिंक कर दिया गया अब ये जो मैप देख रहे हो ये मैप के अंदर से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक्सपांशन पैटर्न समझ में आ रहा है इफ़ यू कैन सी द एक्सपांशन पैटर्न थ्रू दिस मैप ये मैप से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही है अमेरिका के अंदर नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग है ठीक है 1775 की हम लोग बात करेंगे 1775 के अंदर अगर आप देख रहे हो तो अमरीकन्स वर कन्फाइंड ओनली टू तो दिस पोर्शन है ना यही पोर्शन के अंदर से दिस इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमरीका समझे नहीं समझे 1813 तक आते आते यही अमरीकन्स जो वाइट लोग हैं बेसिकली यहाँ आ गए उसके बाद 1850 का पीरियड अगर आप पकड़ोगे तो यहाँ आ जाता है और 1920 तक आते आते ईस्ट कोस्ट से लेके पूरा का पूरा जो वेस्ट कोस्ट है उसकी पूरी जर्नी कवर हो जाती है समझे कि नहीं समझे तो यू कैन इमेजिन कि ये कंट्री जो है ये कंट्री के अंदर जो सेटलमेंट है वो ग्रेजुअली एक्सपांड होती है ग्रेजुअल एक्सपेंशन का मतलब है रातों रात नहीं होगी साहब ठीक है और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन सबसे पहले होगी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा उसके कारण अमेरिका के अंदर फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होगी और वो भी धीरे धीरे होती है वो भी रातों रात नहीं होगी साहब ठीक है स्लेव्स को मंगाया जाएगा स्लेव्स को अफ्रीका से लेके आया करते थे ये लोग फिर स्लेव्स को खेती कराने के लिए मजबूर किया करते थे काफ़ी लंबी प्रोसेस थी तो इस तरह से अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ काफ़ी इट वाज अ वेरी लेंदी प्रोसेस एंड आई वुड से इट वॉज अ वेरी सिस्टमेटिक अगर आप देखिए तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी इंपैक्ट भी आपको मिलती रहेगी खैर तो ये जो अमेरिका के अंदर सिचुएशन होती है वहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बहुत ही लार्ज स्केल प्रोसेस के रूप में आपको मिलता रहेगा एंड वी फाइंड कि धीरे 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 वहाँ के नेटिव इंडियंस को इन्होंने हटा दिया यहाँ के जो जंगल के रहने वाले जो आदिवासी लोग थे साहब ठीक है यहाँ पे जो नेटिव इंडियंस हुआ करते थे यहाँ पे रहने वाले थे यहाँ पे रहने वाले थे यहाँ पे रहने वाले थे उन सबको इन्होंने हटा दिया और फिर अपने यहाँ पे अपनी अपनी सेटलमेंट करने की शुरुआत की गेटिंग पॉइंट है ना तो वी फाइंड द वेस्टवर्ड पोड एक्सपांशन ऑफ दाइड सेटलमेंट बिटवीन 1780 एटी टू एटी नाइनटीन ट्वेंटी से लेके 1920 तक का जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था साहब ठीक है ना तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें हो तो रही है अमेरिका के अंदर क्या हुआ और किस तरह से इनका एक्सपांशन होने की शुरुआत होती है अब आप समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका के अंदर ये जो एक्सपांशन होता है ये एक्सपांशन के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले था क्या पब्लिक अकेले ही बेसिकली एक्सपांड कर रही थी या गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी तो मेनली अगर आप पूरा का पूरा अमरीका का इतिहास देखोगे तो अमरीका की गवर्नमेंट जो है वो खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार थी अमरीका की गवर्नमेंट कहती थी कि भाई हम लोग बेसिकली जो है वो वेस्टर्न एरियाज में जाएंगे पहले मिसिसिपी रिवर को क्रॉस करेंगे और उसके बाद और फर्दर वेस्ट के अंदर चले जाएंगे साहब ठीक है सो वी फाइंड की वेन दे विल ट्राई टू गो इनसाइड द वेस्टर्न पार्ट तो दे विल कम इन टू द कंफ्लिक्ट विद द रेड इंडियन समझे नहीं समझे एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन की वाइट कम्युनिटी वर्सेज द नेटिव इंडियंस या रेड इंडियंस जिसे हम लोग पहचानते हैं उन सब के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है देयर विल बी एज फाइट बिटवीन द लोकल पीपल एंड द वाइट सेटलर्स बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है जहाँ पे रेड इंडियंस का कत्लेआम किया गया उनके गावों को जलाया गया उनको बुरी तरह से अगर आप समझने की कोशिश करोगे ख़त्म किया गया एट टाइम्स रेड इंडियंस ने जब रेजिस्ट किया उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई और फिर उनको एक कोरा पेपर दिया जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश अथॉरिटी ये जो आपके वाइट लोग हैं और बोला जाता था कि चलो बेटा यहाँ पे साइन करना है साइन करके दो तुम्हारी ज़मीन अब हम ले लेंगे साहब ठीक है तो अमेरिका के अंदर ये सिचुएशन बनती है अमेरिका के अंदर ये सिचुएशन बनती है कि देर वर मैनी पीपल हु हैड रजिस्टेड बैडली वो लोग बेसिकली बहुत बुरी तरह से रजिस्ट करते हैं लोकल लोग पर उनको बहुत परेशान किया गया उनको पूरी तरह से एनहिलट किया गया और उनको फोर्स किया गया कि आपको अब ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी हम जो आपको बोलेंगे उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा देखो ये सिचुएशन अमेरिका के अंदर हो गई है साहब ठीक है सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि जो आपके रेड इंडियंस थे जो नेटिव इंडियंस थे वो रिट्रीट करते हैं और ये जो वाइट सेटलर्स है ये धीरे धीरे आके सेटल करने की शुरुआत करेंगे गेटिंग अ पॉइंट है ना तो वी फाइंड कि सबसे पहले अमरीका के अंदर ये लोग वाइट लोगों ने रेड इंडियंस को हटाया और ये एक एक करके ग्रुप में आते थे ग्रुप में आने का मतलब ये है कि पहले पाँच दो दो एक दो लाख लोग आ गए फिर एक दो लाख लोग आ गए फिर एक दो लाख हो गए तो इस तरह से इनका स्टेज बाय स्टेज ट्रांजिशन होता है सबसे पहले ये लोग अपलाशियन प्लेटू के अंदर आने की शुरुआत करेंगे अपलाशियन प्लाटू का मतलब क्या है साहब द वेरी फर्स्ट एरिया जहां से बेसिकली आपकी ईस्ट और वेस्ट अमेरिका के बीच में जो माउंटेन रेंजेस पड़ जाते हैं ये वाला साहब ठीक है ना दिस इज द अपलाशियन माउंटेन्स ये मैंने बताया आपको ठीक है ना सो वी फाइंड द वेरी फर्स्ट टाइम दे विल बी क्रॉसिंग डाउन द अपलाशियन माउंटेन्स वहां का जो प्लेटू आता है ये जो प्लेटू वाला रीजन है यहाँ पे सबसे पहले व्हाइट सेटल रहने की शुरुआत करेंगे अमेरिका के अंदर धीरे 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 अपलाशियन प्लेटू से क्रॉस करके ये लोग मिसिसिपी वैली के अंदर चले जाएंगे रिवर मिसिसिपी के बारे में आपने सुना होगा साहब ठीक है द नेम ऑफ द रिवर इज मिसिसिपी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर अगर आपने ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा साहब 1820 से लेकर 1850 के बीच में हमको पता चलता है कि और भी वाइट सेटलर्स आए अब देखिए एटीन फिफ्टी का पीरियड जो था इस पीरियड के दौरान बहुत लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ फ्रॉम द ईस्ट अमेरिका टू द सेंट्रल अमेरिका एंड द वेस्ट अमेरिका ईस्ट अमेरिका से वेस्टर्न और सेंट्रल अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए इन लोगों ने बेसिकली जंगल को साफ़ किया बहुत सारे जो घास फूस था उसको साफ़ किया और मेनली अगर आप देखोगे तो जंगल से जो भी लकड़ा मिलता था उसे अपने घर बनाए और जंगल को साफ करके वहाँ पे खेती करने की शुरुआत की गेटिंग पॉइंट है ना तो बड़े बड़े एरिया जो थे लार्ज एरियाज दैट वर क्लियर डाउन वहाँ पे फेंसिस बनाए गए साहब और फिर इन्होंने वहाँ पे खेती करने की शुरुआत की इस तरह से हमको समझने की शुरुआत होती है कि ये लोग वहाँ पे जो खेत बनाते थे वहाँ पे ही रहा करते थे जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ एक फोटोग्राफ दिया गया है ये फोटोग्राफ की खासियत ये है कि ये लोग वाइट कम्यूनिटी के लोग हैं इस प्रकार के छोटे छोटे घरों में रहते थे जिसे हम लोग कहते हैं सॉड हाउसेस अगर आप देख रहे हो सॉड हाउसेस करके नाम है एस ओ डी साहब ठीक है तो ये क्या था कि पहले आपने इनफैक्ट जंगल को और लैंड को क्लियर कर दिया फिर वहाँ से इनफैक्ट जो भी आपको घास वास थोड़ा बोटा मिल रहा है उसके अंदर से आपने छोटी मोटी ये खट जैसी बना दी साहब झोपड़ी जैसी बना दी और अपना जीवन चलाते रहते थे गेटिंग पॉइंट है ना तो इनिशियली अगर आप समझने की कोशिश करोगे इनिशियली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अमेरिका के अंदर इन लोग ने छोटा मोटा खेती करने की शुरुआत की वाइट लोगों ने एंड इनिशियली व्हेन द वाइट सेटलर्स मूव फ्रॉम द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द अमेरिकन टू द वेस्टर्न साइड इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कॉर्न व्हीट इन सब की खेती की धीरे 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 जो फर्टाइल सॉइल था उसने अच्छा खासा क्रॉप देने की शुरुआत की और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने की शुरुआत होती है अब देखिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका हाई हुआ इन्होंने जो वाइट कम्युनिटी थी इन्होंने एग्रीकल्चर को बनाने की भी शुरुआत की अब यहाँ पे जब इन्होंने थोड़े टाइम तक एक रीजन में सेटल हो गए और वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया वेन दे सेटल एट सम पार्ट ऑफ अमरीका और फिर यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया तो फिर ओवर फाइव ईयर्स टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स इनकी की जो क्वालिटी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है समझे की नहीं समझे समझ में आया आपको ठीक है की क्वालिटी क्यों एग्जॉस्ट होती है क्योंकि आप एक ही जमीन के ऊपर बार 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 दस पंद्रह साल तक एक ही प्रकार की खेती करोगे तो क्या होगा आपकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी साहब तो वही चीज अमेरिका के अंदर हुई द सॉइल बिकेम इम्पावरेस्ड एंड इट ऑल गॉट एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस आपकी जो जमीन है वो एक जगह के ऊपर धीरे 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 खत्म हो रही है तो माइग्रेंट कम्युनिटी को बोला गया कि चलो भाई अब तुमको और वेस्टर्न एरियाज़ में जाना पड़ेगा साहब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हम जहाँ पे इनिशियली सेटल हुए थे वहाँ पे हम लोग को बेसिकली अब ज़मीन की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है साहब ठीक है तो ये लोग नई जगह के ऊपर जाएंगे समझे कि नहीं समझे सो वी फाइंड कि जैसे 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 इन लोग को लैंड की आवश्यकता पड़ती रही इन लोग को लैंड की आवश्यकता पड़ती रही इस तरह से इन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया साहब ठीक है 1860 तक आते आते हमको पता चलता है कि मिसिसिपी नदी को क्रॉस करते हुए अमेरिका के जो बड़े बड़े ग्रेट प्लेन्स आते हैं ये आपका ज्योग्राफी का मैपिंग का एरिया हो गया है साहब इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा बहुत कर दीजिएगा कि ग्रेट प्लेन्स कहाँ कहाँ पे है अमेरिका के अंदर कभी कभी मैपिंग से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आता रहता है साहब ठीक है सो वी फाइंड की द सेटलर्स स्वेट इन टू द ग्रेट प्लेन्स अक्रॉस द रिवर मिसिसिफी और इस तरह से अमेरिका के अंदर पूरी एक नई ही प्रकार की जो सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है इन द सबसिक्वेंडिकेट्स दिस रीजन बिकेम अ मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ अमेरिका यहाँ पे जो नए लोग आके सेटल हुए थे इन्होंने गेहूँ बनाने की शुरुआत की और हम लोग अब यही देखेंगे कि अमेरिका के अंदर गेहूँ का प्रोडक्शन कैसे होता है हाउ द स्टोरी ऑफ द वीट फार्मर स्टार्टेड इन अमरीका हाउ द अमरीका वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म इट्सल्फ फ्रॉम द ग्रास लैंड टू द ब्रेड बास्केट और बेसिकली अमेरिका के अंदर जो लोग थे इन्होंने बेसिकली जो अपनी ग्रास को ब्रेड के अंदर कन्वर्ट किया था या वीट के अंदर कन्वर्ट कराने की कोशिश की थी उनमें उनको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स पड़ती है विच प्रॉब्लम्स देर बी फेसिंग उसको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे साहब ठीक है है ना तो आप देखने की कोशिश करिए कि जब हम लोग अमेरिका के अंदर बात करते हैं वीट फार्मर्स की तो अमेरिका के अंदर वीट फार्मर्स कैसे इनफैक्ट अपना जीवन चलाते हैं कि शुरुआत करेंगे अब मैंने आपको अभी तक क्या बताया वॉट वी हैव डिस्कस एज ऑफ नाउ ठीक है मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने देखा कि इनिशियली जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे दे वर सेटल्ड इन दिस रीजन से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अमरीका साहब ठीक है दिस इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमरीका समझे आप लोग ठीक है ये ईस्ट कोस्ट में क्या आता है साहब एटलांटिक आता है समझ में आया आपको ठीक है ना दिस इज द एटलांटिकोशन साफ ठीक है अब आप देखिए कि यहाँ पे थे बीच में आपके माउंटेन रेंजेस थे दिस आर ऑल द माउंटेन रेंजेस साहब दिस आर एप्लेशियन एप्लाशियन माउंटेन्स ठीक है तो सबसे पहला फेज जब इनका शुरू हुआ तो अमरीकन्स ने यहाँ पे सेटल किया कहाँ पे अप्लाशियन माउंटेन्स के प्लेटो वाले रीजन में दिस इज द प्लाटो ऑफ एप्लाशियन माउंटेन्स ठीक है तो यहाँ पे सेटल करना शुरू किया यहाँ पे थोड़ा बहुत पांच दस साल पंद्रह साल खेती किया क्वालिटी ऑफ लैंड आपकी डिग्रेड हो गई क्योंकि आपने एक ही प्रकार का इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया अब फिर आपको ज़रूर पड़ी कि यार अब तो मज़ा नहीं आ रही है हमको कुछ और करना पड़ेगा साहब ठीक है तो इसके बाद इन्होंने मिसिसिपी नदी जो है वो क्रॉस की रिवर मिसिसिपी और मिसिसिपी रिवर को क्रॉस करने के बाद ये फ़ेज़ टू की शुरुआत की ये फेज़ टू के अंदर जब ये लोग आए तो ये लोग का वेस्टवर्ड मूवमेंट और हुआ समझे एक नहीं समझे ये जो वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स वाले एरिया में आया ग्रेट प्लेन्स का फ़ायदा ये था जैसे भारत के अंदर गंगा गंगा का जो प्लेन विस्तार है साहब इनफैक्ट वहां कितना सारा पानी फर्टिलिटी अवेलेबल है दो आब कहते हैं ना दो नदी के बीच वाला रीजन आपको मिल जाएगा तो अमेरिका के अंदर भी आपको बहुत सारी रिवर्स मिलेगी पेरेनियल रिवर्स मिलती है क्योंकि ऊपर तो पहाड़ी है बर्फ है तो आपको पानी पूरे साल मिल जाएगा साहब अच्छा खासा तो आपके पास पानी की एवेबिलिटी काफी अच्छी थी आपके पास पानी की अबेबिलिटी काफी अच्छी थी तो पानी की अबेबिलिटी के कारण क्या फायदा होगा साहब इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो हमको पता चलता है कि यहाँ खेती काफ़ी अच्छी हो रही है और वीट जो है उसका इन्होंने प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में करने की शुरुआत की साहब ठीक है ना तो इन्होंने यहाँ पे पहले फेज़ के अंदर प्लेटू में आए उसके बाद यहाँ पे आए वीट प्रोडक्शन बढ़ाने की शुरुआत की और इन्होंने गेहूँ उगाया साहब ठीक है अब वीट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके कारण ये इतने पावरफुल हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे

वहाँ पे अमेरिका के अंदर ड्रामेटिक एक्सपांशन हुआ है वीट प्रोडक्शन को लेके साहब ठीक है अब किस किस प्रकार का वीट प्रोडक्शन हुआ है आप समझने की कोशिश करिए साहब ठीक है सो वी फाइंड कि अमेरिका के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ की जो नए प्रकार के लोग हैं इन लोग को भी अब गेहूँ बेहू चाहिए था ये लोग भी चाहते थे कि हम लोग गेहूँ का काम करेंगे साहब ठीक है तो so अमरीका के अंदर हमको पता चलता है कि पॉपुलेशन उस टाइम पर काफ़ी बढ़ रही है अब एटीन में अमरीका के अंदर स्टेबिलिटी आती है एक्चुअली क्या हुआ 1860 से लेके 1865 के बीच में अमेरिका के अंदर एक घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं सिविल वॉर एक्चुअली ये आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पे नहीं डाला गया है पर यूपीएससी में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर इसको इन्होंने कवर किया हुआ है सिविल वॉर अमेरिकन सिविल वॉर इज अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस बाय द वे है ना तो अमेरिका के अंदर जब सिविल वॉर हुआ वैन द सिविल वॉर इन अमरीका टुक प्लेस तो इट रिजल्टेड इन ग्रेट डील ऑफ इश्यूज आप ठीक है तो उसमें बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट होता है बहुत बड़ी क्राइसिस भी होती है साहब ठीक है अमेरिका बहुत ख़राब कंडीशन में आ गया था और वो है ना कि आ, बहुत बैड सिचुएशन में वो वहाँ से वहाँ से निकल के आया है साहब ठीक है सिविल वॉर की हालत अमेरिका में बहुत ख़राब हो गई थी साहब ठीक है तो अमरीका के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बढ़ती है क्यों क्योंकि सिविल वॉर में अब्राहम लिंकन का अगर आपने नाम सुना होगा उन्होंने बेसिकली अमेरिका को यूनिफाई करके रखा अमेरिका टूटते टूटते बच गया था मतलब ऐसी सिचुएशन थी साहब ठीक है अब क्या हो रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन अमेरिका की है वो बढ़ रही है अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था उसका मार्केट भी बढ़ रहा था एक्सपोर्ट मार्केट भी काफ़ी सारा बढ़ रहा था एंड वी फाइंड कि अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है साहब डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड जब बढ़ती है तो क्या होता है साहब सप्लाई अगर आपका लिमिटेड रहा अगर सप्लाई आपका लिमिटेड रहा तो ऑटोमेटिकली प्राइजिस को इन्फ्लेट करेगा अब जब प्राइजिस बढ़ती है तो मार्केट इकोनॉमी क्या कहती है वॉट डज द मार्केट इकोनॉमी सेज मार्केट इकोनॉमी एक चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि देखो भाई जब प्राइजेस बढ़ेंगे मतलब ये है कि डिमांड है डिमांड है तो अपनों को भी प्रोडक्शन करना चाहिए दो पैसा अपन को भी मिल जाएगा साहब ठीक है तो यहाँ पे भी यही था कि एज एन वैन जब डिमांड इंक्रीज़ होती है एज एन वैन वैन द डिमांड इंक्रीज आपके वीट के प्राइजेस जो होते हैं वो बढ़ने की शुरुआत होगी द वीट प्राइजेज स्टार्टेड राइजिंग बहुत बड़ी मात्रा में आपके प्राइजेस बढ़ जाते हैं एंड दिस विल लीड टू अ कंडीशन जहाँ पे फार्मर्स जो थे वो वीट को प्रोड्यूस करने की शुरुआत करेंगे साहब ठीक है तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों ने वीट प्रोडक्शन के लिए हंगामा मचा दिया कि भी हम बनाएंगे साहब कुछ भी हो जाए साहब गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज़ किया साहब गवर्नमेंट स्टार्टेड इंसेंटिवाइजिंग और उस दौरान एटीन का पीरियड जो था ये एटीन के पीरियड के अंदर अमरीका के अंदर आपका टेक्नोलॉजिकल एक्सपानशन भी हो रहा है आपके यहाँ पे रेलवेज़ का भी डेवलपमेंट हो रहा था आपके यहाँ पे और भी चीज़ें और भी चीज़ें इनफैक्ट आगे चल रही थी साहब ठीक है तो विद द स्प्रेड ऑफ रेलवेज इट मेड इजी टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन फ्रॉम द वीट ग्रोइंग रीजन टू द ईस्टर्न कोस्ट फॉर द एक्सपोर्ट तो कहानी क्या चलती है साहब अमरीका के अंदर ये जो वीट का प्रोडक्शन है ये वीट का प्रोडक्शन ऐसे हुआ साहब ठीक है तो यहाँ पे आपका वीट का प्रोडक्शन हुआ फिर आपकी रेलवेज़ की बन गई साहब अब जब रेलवे लाइन बन जाती है यहाँ पे रेलवे लाइन बन गई यहाँ पे रेलवे लाइन बन गई तो बेसिकली क्या होता था कि ये जो ईस्टर्न कोस्ट के अंदर आपके पोर्ट्स आए हुए हैं ये पोर्ट्स के साथ रेलवे लाइन को कनेक्ट कर दिया गया और अमरीकन्स ने बेसिकली बहुत स्मार्टनेस बनाई कि उनकी जो सोसाइटी की डिमांड थी उनकी जो पॉपुलेशन की डिमांड थी उसको तो फुलफिल कर दिया दे वर एबल टू फुलफिल द सोसाइटल डिमांड इन द पॉपुलेशन डिमांड ऑफ द वीट फिर धीरे 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 करके अमरीकन्स ने अपनी इनफैक्ट जो इकोनॉमी को और एक्सपांड किया एक्सपोर्ट किया अब देखो गेहूँ एक्सपोर्ट करते यूरोप के अंदर साहब ठीक है इनिशियली 1870 से लेकर 1900 तक का पीरियड जो था वो यूरोप के अंदर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फ्रेजाइल पीरियड था क्योंकि कॉलोनियलिजम बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा था बस्मार्क जैसे लोग इनफैक्ट यूरोप में तरखाट मचाने की शुरुआत कर रहे थे एंड अमेरीकन्स अपना जीवन चला रहे है वो तो बोलते हैं कि अपन धंधा करेगा साहब ठीक है ना अपन कैपिटलिस्ट लोग हैं हम लोग पैसा बनाने के लिए आए हैं तो पैसा ही बनाएंगे यहाँ पे तो इन्होंने प्रोडक्शन किया साहब एक्सपोर्ट कर दिया बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर चल गई अब इतनी सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर चल रही है ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अमेरिका और उस टाइम पे अमरीकन्स को इसका कारण प्रॉफिट भी हुआ क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट करते हो वैन यू कीप ऑन एक्सपोर्टिंग मनी थिंग्स तो ओ आप, आप आपको अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा यू विल गेट फॉरन करेंसी आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा साहब ठीक है ट्वेंटी एट सेंचुरी तक आते आते अमेरिका के अंदर गेहूं की डिमांड और भी बढ़ जाती है अब क्यों बढ़ती है साहब गेहूं की डिमांड क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था पूरे यूरोप के अंदर अब आपको पता होगा कि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सीधा पार्टिसिपेशन नहीं किया था वेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस अमरीका वॉज अ न्यूट्रल कंट्री इनिशियली साहब ठीक है और आपको दो फोर्सेज मिलेंगे एक अलाइड पावर वर्सेज एक्सिस पावर जहां पे ब्रिटेन और फ्रांस एक साइड के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर आपको जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की जैसे कंट्रीज़ मिलेंगे ये सब के सब लोग आके बोलेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे फला कर देंगे साहब ठीक है, है ना तो आप समझने की कोशिश करिए कि इनफैक्ट ये जो सिचुएशन हो रही है अमेरिका के अंदर ये सिचुएशन क्या दर्शाती है वॉट डज दिस सिचुएशन टॉक्स अबाउट साहब ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी के आसपास का पीरियड है अमरीका के अंदर डिमांड बहुत हाई हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कंडीशन की जब हम लोग बात करेंगे वहां पे यूरोप के अंदर तो खाना अवेलेबल था नहीं क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अगर आप समझोगे मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन यूरोप एट द टाइम दे वर फेसिंग सम क्राइसिस एंड वर्ल्ड का मार्केट उस टाइम के अंदर बूम हो गया क्योंकि अमरीका की ही एक प्रोडक्शन थी साहब अब अमेरिकन ऑलरेडी वीट को लेके आगे चल रहे थे वो तो बोलेंगे कि हम करके देंगे आप बोलिए वो सब करके देंगे साहब ठीक है तो गेहूं धीरे 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 अगर आप देखोगे तो अमेरिका से सप्लाई होने की शुरुआत होती है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एक टाइम के ऊपर रशिया जो था वो पहले गेहूं दिया करता था यूरोप को अब अमेरिका जो है पूरे यूरोप को खाना खिला रहा है अब आप देखिए कि जो इंसान वॉर के अंदर खाना खिला रहा है वो कंट्री कितना प्रोग्रेसिव हो जाएगा धीरे क्योंकि पैसा कितना कमाएंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन आपको पता होगा वुड्रो विल्सन का नाम शायद तक पता है कि नहीं पता वुड्रो विल्सन ने बेसिकली 14 पॉइंट्स दिए थे वर्ल्ड वॉर वन के बाद नए वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए वुड्रो विल्सन बेसिकली अपने किसानों को कहते हैं वो क्या कहते हैं कि आप जितना गेहूँ लगाओगे वो गेहूँ हम लोग के लिए युद्ध जिताएगा प्लांट मोर वीट वीट विल विन द वॉर फॉर अस यू कैन इमेजिन की हाउ अमेरिका ट्रांसफॉर्म्ड इट तो पहले तो फॉरेस्ट क्लियर किए फिर नेटिवस को मारा उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने सेटल करना शुरू किया सेटलमेंट में भी पहले अपलाशियन माउंटेंस के अंदर सेटल करने की शुरुआत की अपलाशियन माउंटेन्स से ये ग्रेट प्लेन्स में आए वहाँ पे फिर वीट की खेती करने की शुरुआत की ये वीट के अंदर बेसिकली रेलवे की लाइन एक्सपांड की और रेलवे की लाइन एक्सपांड हो गई तो एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की अमेरिका के अंदर उसी दौरान पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ तो डिमांड बढ़ गई और प्रोडक्शन बढ़ता है वीट का और प्रोडक्शन को पुश करने के लिए जब वर्ल्ड वॉर वन की घटना हुई तो उसके बाद तो अमेरिका और माला माल हो जाता है 1910 तक आते आते करीबन 45 एकड़ के आसपास की ज़मीन 45 मिलियन एकड़ के आसपास की ज़मीन अमेरिका के अंदर खाली और खाली वीट के प्रोडक्शन के लिए थे यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी मात्रा में लोग गेहूं की खेती करते हैं साहब इंडिया में कितना है आज की तारीख में बताइएगा प्लीज कमेंट इन द सेक्शन प्लीज राइट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की वॉट इज द टोटल मिलियन एकर्स ऑफ लैंड अंडर वीट इन द प्रेजेंट इंडिया इंडिया के अंदर आज की तारीख में हम लोग कितने मिलियन एकर्स में वीट की खेती करते हैं साहब है ना गेहूं इंडिया में गेहूं कहाँ उगता है बाय द वे साहब ठीक है अमेरिका के अंदर तो क्या सिचुएशन है आप समझिए 1910 का डेटा है 9 इयर्स लेटर मतलब कौन सा साल आएगा 1919 का इयर्स आएगा 1919 में द एरिया हैड एक्सपैंडेड टू 74 मिलियन एकर्स अबाउट 65% ऑफ इंक्रीज विल टेक प्लेस यू कैन इमेजिन कि अमेरिका के अंदर क्या सिचुएशन हो गई थी कि गेहूँ 74 मिलियन एकर्स की लैंड के अंदर बनाने की शुरुआत हो रही इतना सारा गेहूं का आपका प्रोडक्शन हो रहा क्योंकि ब्रेड बनती है ना साहब ब्रेड किससे बनती है साहब गेहूं से ही बनती है मैदा होता है ब्रेड के अंदर पर इवेंचुअली आपको गेहूं चाहिए गेहूं तो आपका वो क्या कहते हैं अपना फाउंडेशन है साहब उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है साहब तो यू कैन इमेजिन की क्या सिचुएशन हो गई अमरीका के अंदर जहां आपके जो ग्रेट प्लेन वाले रीजन है वहां पर इतना सारा गेहूं का प्रोडक्शन हुआ नए एरियाज को इन्होंने कैप्चर किया और धीरे 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 बेसिकली अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े किसान थे वो लोग वीट बैरेंस बन जाते हैं तो यू सी कि हाउ द वर एबल टू ट्रांसफॉर्म दम सेल्फ एज दीट डोमिनेशन इन द वर्ल्ड साहब गेहूं के क्रॉप का डोमिनेशन करते हैं साहब मॉडर्न एग्रीकल्चर के रूप में और करीबन दो तीन हजार से एकड़ के आसपास एक बंदा इनफैक्ट पूरी की पूरी लैंड को कंट्रोल कर रहा है टू थाउजेंड एकर्स वर अंडर वन पर्सन यू कैन सी कि कितने बड़े बड़े किसान होंगे साहब और जब आप दो हजार एकड़ की जमीन के ऊपर खेती कर रहे हो तो क्या लेबर से पॉसिबल है डू यू थिंक दैट टू थाउजेंड एकर्स ऑफ लैंड जहां पे आपको कल्टीवेशन करना है से फॉर एग्जाम्पल आपको वीट का कल्टीवेशन करना है तो क्या ये लगता है आपको कि लेबर से पॉसिबल है क्या लेबर के द्वारा इनफैक्ट आप इसको कल्टीवेशन कर पाओगे टेक्निकली अगर आप देखोगे नहीं और जब इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको खेती करनी हो तो आपको मैकेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है समझ में आया कि नहीं आया आपको ठीक है है ना तो अमरीका उसके बाद नई टेक्नोलॉजी को बहुत इंप्लीमेंट करेगा ट्वेंटी सेंचुरी और नाइन्टीन सेंचुरी के एंड तक आते आते अमेरिका ने अपना पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो एग्रीकल्चर सिस्टम को अब नई टेक्नोलॉजी के साथ में ले लिया था और नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये था दोस्तों कि नाउ दे विल बी गोइंग फॉर एंड नाउ दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग इन अ वेरी इफ़ेक्टिव वे बहुत इफ़ेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जो नई टेक्नोलॉजी का मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ इसके अंदर इन्होंने मैकेनाइजेशन किया नए नए सीड्स को यूज़ किया प्लिइंग के लिए बेसिकली जानवरों की जगह ट्रैक्टर्स का यूज़ किया अगर ट्रैक्टर्स नहीं है तो ह्यूमन प्लग को यूज़ किया गया व्हील बेज इनफैक्ट प्लग मैं आपको बताऊंगा कल के क्लास के अंदर कि किस किस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी होती है तो आपको हमने आज के क्लास के अंदर बताया द स्टोरी ऑफ अमरीका और आपको खाली अमरीका की स्टोरी बताने की कोशिश की कि अमरीका के अंदर कैसे शुरुआत हुई तो शुरुआत होती है पहले वाइट सेटलमेंट के द्वारा और ये वाइट सेटलमेंट बेसिकली क्या करती है साहब एक्सपांड करती है एक्सपांड करते करते दे विल कम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द नेटिव्स नेटिव्स को खाचेक कर दिया और उसके बाद इन्होंने बेसिकली अपना जो वीट प्लांट का जो कल्टीवेशन है ये वीट के लिए ग्रो करने के लिए इन्होंने बेसिकली बहुत सारे काम किए वीट के साथ साथ आपको कॉर्न भी मिल जाएगा वीट के साथ साथ आपको कॉर्न और टोबैको भी मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें मिलेगी बट ये आपका फंडामेंटल स्टोरी है अमरीका को लेकर आज इतना ही रखते हैं लेट लेटस कीप दिस मच थिंग ओनली हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को आज डिस्कस किया है अमेरिका की हिस्ट्री को लेके और अमेरिका के अंदर किस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है इनफैक्ट अमेरिका के अंदर ये जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ हुआ उसमें अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इवन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन अमरीका प्लेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले साहब तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा डिस्कस कि वॉट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अमरीका के अंदर ऐसा क्या होता है क्योंकि ये जो मैकेजेशन हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है ये सब अमरीका के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही पॉसिबल है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ अमरीका के अंदर वाई इन यू एस ए तो ये भी एक अलग से अलायदा टॉपिक बन सकता है बट इसको हम लोग आज के क्लास के अंदर नहीं कर रहे आज हम लोग इतना ही रखते हैं वी हैव डिस्कस इनफ पॉइंट्स मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है आपको ठीक है तो आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें होती है नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको मिलूंगा तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका के अंदर ये जो भी पूरा का पूरा इनफैक्ट डेवलपमेंट हुआ है ये डेवलपमेंट एक्चुअली टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल है ये जो आप बड़े बड़े ग्रोथ देख रहे हो और हमको भी इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकल इन्ोवेशन करने चाहिए एक्चुअली ये चैप्टर को सिलेबस के अंदर रखने का इंटेंशन ये भी है कि आपको इंडिया का एग्जाम्पल देखना है वेन यू कम्पेयर इंडिया विथ यू जब आप कंपेयर करते हो इंडिया और अमरीका को तो आपको क्या दिख रहा है साहब यहाँ मैकेनाइजेशन आ गया है साहब और बड़े बड़े लैंड साइज आपको मिलेगी लार्ज साइज ऑफ लैंड एक बंदा कंट्रोल करके रखा है यहाँ इंडिया में देखोगे तो आपको मैकेनाइजेशन नहीं दिख रहा है खेती के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो वी हार्डली फाइंड मैकेनाइजेशन दूसरी पर्सपेक्टिव अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको क्या दिख रहा है वॉट डू वी फाइंड साहब ठीक है स्मॉल साइज ऑफ़ लैंड हमको मिल रही है और स्मॉल साइज ऑफ़ लैंड की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या दिखेगा आपको फ्रेगमेंटेशन मिलेगा वी फाइंड सो मच ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन द लैंड साहब है ना तो ये तो सिचुएशन है साहब अमेरिका के अंदर जहाँ इंडिया और यूएसए को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक खेती का ग्रोथ होना भी बहुत मुश्किल है साहब ठीक है अमेरिका में ये सब ड्रामेटिक एक्सपांशन हुआ उसके पीछे का कारण टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी कैसे शुरू होती है किस किस प्रकार के मशीन्स का उन्होंने उपयोग किया किस तरह के अलग अलग प्रकार की जो ह्यूमन लेबर है उसको एलिमिनेट करते हुए इन्होंने बड़े बड़े छोटे मोटे मशीन्स का यूज़ किया इन सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे साहब वॉकिंग प्ल हो गया या अगर आप देख लो कि रीपर करके एक मशीन है रीपिंग के लिए यूज़ किया गया है अगर आप देखोगे तो आपके घास को मोह करने के लिए उसको काटने के लिए उसको दबाने के लिए इन्होंने बेसिकली जो छोटे मोटे मशीन्स थे वो ना यूज़ किए एट टाइम्स जो जो प्ल हुआ करते थे ये प्ल के अंदर बेसिकली घोड़े का उपयोग किया गया हम लोग तो क्या जनरली बैल का उपयोग करते हैं वी यूज़ ब्लॉक और बैल साहब ठीक है ना गाय का उपयोग कर देते हैं एट टाइम्स इन्होंने एट टाइम्स बहुत सारे घोड़ों को साथ में बाधा और घोड़े के साथ इन्होंने काम करने की कोशिश की साहब ठीक है या उसी तौर के ऊपर अगर आप ट्रैक्टर्स देखोगे ट्रैक्टर्स का यूज़ किया काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इन्होंने इनफैक्ट मैकेनाइजेशन के द्वारा जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है उसको पुश किया है उसको पूरी तरह से समझाया है समझे आप लोग ठीक है है ना तो आज यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं आज ये सेशन को लेटेस्ट कंक्लूड द क्लास टुडे हमने ऑलमोस्ट एक आध घंटा डिस्कस किया हुआ है अमेरिका के अंदर और कल का क्लास फिर से कंटिन्यू करूंगा टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो अमेरिका के अंदर चेंजेस हुए हैं उसमें ग़रीब लोगों के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है वॉट हैपन टू द पुअर पीपल साहब ठीक है ना गरीब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको हम लोग कल के क्लास के अंदर देखेंगे इन सेशन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट वॉट विल हैपन टू द पुअर पीपल द पुअर कम्युनिटी एंड इवेंचुअली क्या होता है साहब जब इतनी सारी चीज़ें अमरीका के अंदर चेंज हुई तो क्या सब लोग को फ़ायदा हुआ या कोई कोई लोग नुकसान में भी थे ठीक है तो आज इतना रखते हैं दोस्तों लेट लेटस कंक्लूड द क्लास टूडे यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड माई कॉम्प्रेंसिव कोर्सेज़ ऑन द प्लस मैं हिस्ट्री uh, के जो आंसर राइटिंग का कोर्स चला रहा हूँ अनएकेडेमिक प्लस के ऊपर और बहुत इफेक्टिवली आपके लिए मदद रूप करूंगा कि कैसे एक इफेक्टिव गुड आंसर्स लिखे जा सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन एस आप अनएकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए अनएकेडमिक सब्सक्रिप्शन कोई भी लेना हो आप यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट कोड पी एन लाइव एंड यू कैन गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एज वेल Like, share, and subscribe to this platform. I'll see you in the next class. Till then, keep studying.